एक चैलेंज मुस्तफा भाई को दे रहा हूँ। क्या मतलब रेडी हैं आप चैलेंज के लिए? हाँ, बिल्कुल भाई। चैलेंज ये है कि ये आज मेरी व्लॉग की छुट्टी करवा दी और ये अपना व्लॉग बना। हाँ, मेरा व्लॉग बन चुका है और आज का सारा दिन एक दिन मुस्तफा हनीफ के साथ है आज। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं हूँ तलहा महमूद और एक मरतबा फिर आपको मैं अपने नए व्लॉग में खुशामदी वेलकम करता हूँ। भाई लास्ट वाली वीडियो में तो आपने कमाल कर दिया था, सारे लोगों ने कमेंट किया कि भाई आप और व्लॉग बनाएं, तो भाई आप लोगों की बातों को दिल से एक्सेप्ट किया है और एक और व्लॉग लेकर आ गया हूँ। आज का सीन कुछ यूँ है कि मैं कल पूरी रात से सोया नहीं हूँ। आप मेरी आंखें देखे बिल्कुल लाल हो रही हैं। मैं पूरी रात से सोया नहीं, काम कर रहा था और जब मैं सोने ही वाला था कि हमारे मुस्तफा नी भाई का मैसेज आ गया कि भाई जल्दी से शॉप पर आ जाएं। उन्होंने जो शॉप ओपन किए नहीं VIP पॉपसिकल्स, तो हम वहाँ जा रहे हैं। मैं पहले कभी नहीं गया, मैंने मैप भी ऑन किया हुआ, तो हम जा रहे हैं वहाँ पर। क्यों जा रहे हैं ये है सरप्राइज, ये आपको दिखाएंगे। मैंने अकेले नहीं जाना, आप सबको साथ लेके जाना है और बड़ा मजा आएगा इंशाल्लाह। व्लॉग को इंजॉय करके आपने देखना है, आए चलते हैं। ये रोड का तो बेड़ा खराब हुआ है यहाँ पर, यहाँ से हमने मुड़ना है लेफ्ट। सिर्फ 1 किलोमीटर रह गया, यहाँ से देखने कहाँ जाएंगे हम। ये देखें जी, ये आएगा हमारे लेफ्ट पे VIP पॉपसिकल्स। मैंने व्लॉग्स में ही देखी ये जगह, लेकिन अभी देखा तो पहचान लिया मैंने। और ये मुस्तफा भाई की गाड़ी खड़ी है, अभी मुस्तफा भाई को कॉल करते हैं और डायरेक्ट अंदर चलते हैं प्रोटोकॉल के साथ, फुल प्रोटोकॉल के साथ जाएंगे अंदर। और भाई साहब ये स्क्रीन पर आज कौन नजर आ रहे हैं हमारे साथ, स्टार्ट के अंदर ही मुस्तफा भाई शामिल हो चुके हैं और बहुत जबरदस्त ही व्लॉग होने वाला है। और मुस्तफा भाई के साथ आज हम कहाँ जा रहे हैं मुस्तफा भाई ये खुद बताएंगे। जी मुस्तफा भाई, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्तफा भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक यार। अभी जो है ना, ये हम आइसक्रीम शॉप पे बैठे हुए थे अपनी, तला भाई आ गए हमें लेने के लिए, बोला यार चले नात की रिकॉर्डिंग पे चलते हैं। ठीक है, तो हमने एक और नात रिकॉर्ड कराई थी। ऑडियो इसकी डन हो चुकी है, अब जो है ना हम लोग इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा दूर नहीं जा सकते, करीब में कोई ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ अच्छा एक मंजर भी हम रिकॉर्ड कर सकें और हमारी नात की रिकॉर्डिंग भी अच्छी हो जाए, तो उसी की तैयारी चल रही है। तो भाई नात की रिकॉर्डिंग के लिए जा रहे हैं, आप लोगों ने जैसे सुन लिया। और मुस्तफा भाई की आज हमने आइसक्रीम भी खाई, वो VIP क्या था मुस्तफा भाई? VIP पॉपसिकल नाम लिखा हुआ है आपके भाई, ये देखे नाम लिखा हुआ VIP पॉपसिकल। आज वही टी शर्ट पहन गए। अच्छा, हमारा प्लान था पहले जो है ना VIP पॉपसिकल्स पे ही मुस्तफा भाई को जो है ना, मुस्तफा भाई अपनी शॉप की रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो है ना उधर हम नात की शूट मतलब एक स्टोरी टाइप बनाई थी, लेकिन फिर वो लेट हो गए थे, नहीं हो सका था क्योंकि मुस्तफा भाई ने परसों आउट ऑफ कंट्री भी जाना है। मुस्तफा भाई बताया आपने सबको? बताया नहीं है, लेकिन ये प्राइवेट है, लेकिन मैं रिवील कर रहा हूँ कि मुस्तफा भाई माशाल्लाह जा रहे हैं और वो कहाँ जा रहे हैं ये फिर आप मुस्तफा भाई के व्लॉग में देखेंगे तो आपको मजा आएगा। तो भाई साहब इनके शॉप पर जो भी प्लानिंग थी वो सारी चौपट हो गई, अभी हम जा रहे हैं CBU। टाइम बहुत कम रह गए, 5:24 हो चुके हैं और 6:30 बिल्कुल टाइम खत्म हो जाएगा। अगर हमने दो नातों की रिकॉर्डिंग करनी थी, लेकिन लगता नहीं है कि दो नातों की रिकॉर्डिंग हो पाई। एक भी हो जाए तो मैं बोलता हूँ बड़ी बात, एक भी हो जाए तो बड़ी बात है। तो भाई साहब जा रहे हैं, अभी देखते हैं कि आगे क्या करता है। और मुस्तफा भाई आप तो छा गए माशाल्लाह, वो जो हमारी नात हुई है अभी तो माशाल्लाह दूसरा दिन है और 2 लाख क्रॉस कर चुके हैं माशाल्लाह से। और कमेंट में यकीन करें, आप कह रहे थे कि लोग ऐसे ऐसे कह रहे होंगे, लेकिन कमेंट में सबसे ज्यादा लोग आपके साथ प्यार दिखा रहे हैं कि भाई मुस्तफा भाई की सबसे अच्छी बात हो रही है। ये सबकी मोहब्बत है, ये सब लोग रिस्पेक्ट देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया सब लोग। अच्छा मुस्तफा, एक बड़ी काम की बात याद आ गई, इस नात के अंदर मुस्तफा भाई ने चैलेंज दिया था मुझे। क्या? तो बहुत कमजोर हो गई, मुझे जरा याद दिला, मैं याद दिला रहा हूँ। मुस्तफा भाई ने कहा था कि भाई जो है ना ये नात है बहुत ज्यादा मुश्किल, तो अब ये मेरे लिए चैलेंज है कि आपने इसको किस तरीके से बनाया। मैंने जो है ना एक कलाम निकाला है जो मेरे बैकग्राउंड में चल रहा है, आपने सुना ही होगा, माहिर जैन का है ना, हबीबी या मोहम्मद। तो मैंने जो है ना अपने लिए ये रिकॉर्ड करना है, ये इस पे मेरा दिल आ गया बस ना। मुश्किल है लेकिन दिल पे लगा है, और बाकी तो आप लोगों ने ही करना है सारा काम। अब आप लोगों को दिया ये चैलेंज और आप लोग VIP से VIP करके दिखाएं, अभी तक ये यहाँ पे किसी ने किया नहीं। और ये मैं अपने चैनल के लिए जो है ना, बस पता नहीं अजीब मोहब्बत हो गई इस कलाम के साथ ना, तो मैंने पढ़ना है बस ये। अब मैं एक चैलेंज मुस्तफा भाई को दे रहा हूँ। क्या मतलब रेडी हैं आप चैलेंज के लिए? हाँ, बिल्कुल। भाई चैलेंज ये है कि ये नात आते ही 1 या 2 दिन में 1 मिलियन क्रॉस होनी चाहिए इंशाल्लाह आपके चैनल पे। इंशाल्लाह आपको क्या लगता है, होगा? अल्लाह के हुक्म से हो जाएगा, होगा। मतलब आपको है, अपना ऑडियंस के ऊपर है, ट्रस्ट है? हाँ हाँ बिल्कुल है। चलें भाई देखते हैं, ये मुस्तफा भाई के लिए चैलेंज है कि नात आते ही, क्योंकि मुस्तफा भाई की पसंद की नात है ये, और कौन सी नात है ये भी आप सुनेंगे, मुस्तफा भाई के चैनल से ही आएगी। और आते ही इसके ऊपर 1 दिन में अगर 1 मिलियन होगा तो मुस्तफा भाई ये चैलेंज जीत जाएंगे, और मैं तो चैलेंज जीत चुका हूँ, मैंने वो नात बनाई, आप सुनेंगे तो आपको इंशाल्लाह मजा आएगा। तो चलें अभी शूटिंग पर जा रहे हैं, तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है, सब आपको दिखाएंगे और आपको अपने साथ साथ रखेंगे इंशाल्लाह। यहाँ
यहाँ पर तो फैन जमा हो जाएंगे आपके। ओए 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 टाइम तो शार्ट ना था, तरफ तो रश नहीं होना चाहिए, मेन तो उधर है पब्लिक वाला। आज तो क्या है फ्राइडे नाइट है ना आज, यहाँ पर तो बिल्कुल जगह नहीं। मुस्तफा भाई क्या लगता है करें शूट यहाँ पर? यार यहाँ असल में लोग हैं, यहाँ पर पब्लिक भी है और आपके फैन भी बड़े जमा हो जाएंगे यहाँ पर, और जगह भी इतना नहीं है वहाँ पर। आगे जो है ना वहाँ पर है जगह, चल के चेक करते हैं, ट्राई करते हैं वहाँ पर ना, मतलब नीचे उतरने की भी जगह है। अच्छा एक सीन बन जाएगा, टाइम कम है, मुकाबला सकते हैं बिल्कुल। तकरीबन समझे कि आधा घंटा है हमारे पास, टोटल आधा घंटा। भाई साहब ये आ गए हम सीवी ऊपर, और ये प्यारी सी जगह है, और मुस्तफा भाई गाड़ी में रेडी हो रहे हैं, और ये दानिश भाई ने कैमरा भी रेडी कर लिया, और अभी बहुत ज़बरदस्त सा कलाम शूट करने वाले हैं मुस्तफा भाई का, और मुस्तफा भाई से बहुत सारी बातें की हैं और आगे करेंगे भी, और आपको सब दिखाएंगे कि किस तरीके से हम मुस्तफा भाई का ये कलाम शूट कर रहे हैं। भाई साहब मुस्तफा भाई की एक बात दिल पर लगती है, बहुत प्यारी बात, बहुत ज़बरदस्त बात, और हर इंसान के अंदर, हर मुसलमान के अंदर ये बात होनी चाहिए कि इंसान जहाँ भी है, जिस किसी काम में भी है, सबसे फर्स्ट प्रियोरिटी पे जो काम होना चाहिए वो होनी चाहिए नमाज। और देखिए मुस्तफा भाई नमाज़ पढ़ रहे हैं यहाँ पर, 40 मिनट रह गए, तो मुस्तफा भाई ने बोला कि जाने बाद मैं अपने साथ रखता हूँ, और कहीं पर भी अगर टाइम कम रह जाए, मस्जिद ना अवेलेबल हो, तो वहाँ पर मैं नमाज़ पढ़ लेता हूँ। ये मुस्तफा भाई की बहुत ज़बरदस्त बात है। मुस्तफा भाई एक भंड हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या सूरज देखें उस तरफ का है, और हमें सी बिल्कुल नज़र नहीं आ पाएगा। हाँ ये तो है, खैर हम लेट हो गए। ये दिखाएंगे, ये देखेंगे, ये देखते हैं अभी, खूबसूरत लग रहा है, एंगल बना के देखते हैं कि कैसा बनता है, लेकिन हम लेट हो गए काफ़ी। अगर सी व्यू आता ना बहुत ज़बरदस्त हो जाता, बड़ा प्यारा सीन आता। मुस्तफा भाई आप तो हीरो लग रहे हैं माशाल्लाह। आपने बहुत से देखा है मुझे, थैंक यू सो मच। एंगल बन रहा है अच्छा, ये बिल्डिंग अच्छी आ रही है ना यहाँ से, ये वाली बिल्डिंग्स, लेकिन सी व्यू नहीं ले सकते बिल्डिंग्स यहाँ, यहाँ से उस तरफ का लेना पड़ेगा सीन। मुस्तफा भाई सामने क्या लोगे, चलते हुए सीन ले लो हैं। अभी चेक कर रहे हैं कि किस तरीके से एंगल बनाना चाहिए, क्योंकि सूरज है उस तरफ और सी व्यू हम नहीं दिखा सकते, क्योंकि जब मैं इस तरफ आऊँगा ना देखें फेस मेरा ब्लैक हो जाएगा, तो इसी तरीके से अगर मुस्तफा भाई को यहाँ खड़ा करेंगे तो फेस ब्लैक हो जाएगा, तो इस तरफ खड़ा करेंगे तो फिर बिल्कुल क्लियर आएगा, लेकिन बैकग्राउंड पर सी व्यू नहीं है कि जो हमें चाहिए। तो अभी हम एंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या एंगल बनाना है हमने। क्या मन न पड़ता कुलू बना बिल्कुल, एक टेक कंप्लीट हुआ है अभी, और अभी ये इंसर्ट बना रहे हैं। मंजर कितना प्यारा है, सूरज ग्रूब होने का, सनसेट व्यू। या मन हल्लैता हयातना बिल ईमान, या मन बि जमालिका हल्लमतल एहसान बिल कुरआन। क्या कह रहे हैं मुस्तफा भाई, घर जाते के साथ ही आधे घंटे में तैयार करके दे रहे हैं ना? क्या चीज, पिक्चर? नहीं पिक्चर नहीं, पूरी पूरी नात, वो फुटेजेस आपको सेंड कर देते हैं। वो पूरी आवे से अपलोड कर दे। तो गाइस फाइनली मुस्तफा भाई की नात बड़ी जल्दी जल्दी में कंप्लीट की है। सूरज देखे बिल्कुल गायब हो चुका है, जब हम आए थे तो सूरज बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ऊपर था, रोशनी आ रही थी, मुस्तफा भाई का फेस ब्राइट हो रहा था, गोरा फेस था और गोरा कर रहे थे हम, और अभी कलर ग्रेडिंग में और गोरा कर देंगे। हाँ तो फाइनली गाइस शूटिंग कम्प्लीट हो चुकी है, अभी वापसी जा रहे, देखते हैं आगे क्या होता है। फाइनली गाइस टाइम देखे 7:23 हो चुके हैं, 2-3-4-5 घंटे हो गए मुस्तफा भाई के साथ। मुस्तफा भाई आज तो सारा दिन आपने हमें ही दे दिया बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही, आज मेरी व्लॉग की छुट्टी करवा दी और ये अपना व्लॉग बना। हाँ मुस्तफा भाई का आज का व्लॉग नहीं बना, लेकिन वो पुराना वाला डालेंगे, और मेरा व्लॉग बन चुका है, और आज का सारा दिन एक दिन मुस्तफा हनीफ के साथ है आज माशाल्लाह से। चले मुस्तफा भाई अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आया, फिर इंशाल्लाह अगले किसी नात में अगले किसी व्लॉग में मुलाकात करते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़। मुस्तफा भाई सामान ले लिया, ये है गाइस मुस्तफा भाई की शॉप जहाँ से हम चले थे VIP पॉपसिकल्स, लेकिन वापसी में मुस्तफा भाई यहाँ नहीं रुके, उन्होंने बोला कि अगर मैं यहाँ रुकूंगा तो मैं और लंबा हो जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, और बहुत सारे लोग मिलेंगे तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, और मैं बहुत थक चुका हूँ, और मैं अभी घर जा रहा हूँ। तो मुस्तफा भाई ने अभी यहीं हमें ड्रॉप कर दिया, अंदर शॉप पर नहीं गए, अगर अंदर शॉप पर जाते तो फिर मैं आपको स्पेशली अंदर जाके विजिट करवाता, अकेला मैं नहीं जा सकता, मुस्तफा भाई साथ होते फिर मैं आपको लेके चलता, तो अभी हम घर चलते हैं अपने। तो गाइस फाइनली आज का सारा दिन हमने मुस्तफा हनीफ भाई के साथ गुजारा, और अभी मैं अपने घर पहुंचने वाला हूं, तकरीबन 10 बज चुके हैं, और शाम तकरीबन 3 बजे से मैं मुस्तफा हनीफ भाई के साथ हूं। उनकी आइसक्रीम शॉप पर आइसक्रीम भी खाई, लेकिन उस वक्त मैंने आपको व्लॉग में नहीं दिखाया, क्योंकि उस वक्त शॉप पर कुछ काम हो रहा था, तो मैंने मुनासिब नहीं समझा दिखाना। उसके बाद फिर हम शूट पर गए, रास्ते में बहुत सारी बातें मुस्तफा भाई से, और वापसी के अंदर फिर मुस्तफा भाई ने हमें उसी जगह पर ड्रॉप किया जहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी थी,
तो फिर मुस्तफा भाई अंदर नहीं चले आइसक्रीम शॉप पर, तो इस वजह से मैंने आपको नहीं दिखा, नहीं तो फिर मैं आपको अंदर से शॉप विजिट करवाता। तो फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपको जरूर, अगर मेरा वहाँ चक्कर लगा तो आपको दिखाऊंगा। तो आपने मेरे इस व्लॉग के कमेंट के अंदर बताना है कि आपको मेरी व्लॉगिंग कैसी लगी, मैं मजीद व्लॉग बनाऊँ ना बनाऊँ। अगर आपने अच्छे कमेंट किए तो फिर मैं मजीद भी इंशाल्लाह व्लॉग आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग लेके आया करूँगा। तो अभी फिलहाल तलहा महमूद को इजाजत दीजिए, मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में किसी खूबसूरत वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकअल्लाह।